अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बना रहे क्विक एंड इजी मटन करी। आइए देखते हैं क्विक एंड इजी मटन करी बनाने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स लगेंगे और इसे कैसे बनाते हैं देखते हैं। के लिए हमें चाहिए मटन, देखिए ये 1.5 किलो मटन है और हमने लिया है 7 से 8 कलियाँ हैं लहसुन की, 4 हरी मिर्च, 2 मीडियम साइज की प्याज है हमने इस तरीके से कट कर ली है, और हमने लिया है खड़े मसालों में 2 इलायची हरी, 2 दालचीनी के टुकड़े के किंच के, 1 काली इलायची, और हमने लिया 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 3 टेबलस्पून तेल, 1 टीस्पून नमक। देखिए हमने कुकर ले लिया है, अब हम इसमें ऐड करेंगे प्याज, अब ऐड करेंगे मटन और हरी मिर्च ऐड करेंगे और लहसुन ऐड करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे तेल। ये देखिए हमने प्रेशर कुकर चूल्हे पर रख लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे खड़े मसाले, काली इलायची, 2 हरी इलायची और दालचीनी के टुकड़े। अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक थोड़ा सा, इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब हम हाई फ्लेम पे मटन का पानी सूखे तक पकाएंगे। ऐड करेंगे हल्दी पाउडर, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम हाई फ्लेम पे हल्दी को गोश्त में 1 मिनट पकने देंगे। देखिए हाई फ्लेम पे 1 मिनट हो गए हैं, हल्दी अच्छे से पक गई है। अब हम इसमें ऐड करेंगे लाल मिर्च पाउडर, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम हाई फ्लेम पे 1 मिनट लाल मिर्च को भी पकने देंगे, लाल मिर्च पाउडर को भी पकने देंगे। देखिए लाल मिर्च पाउडर अच्छे से पक गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे धनिया पाउडर, इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे भी हाई फ्लेम पे 1 मिनट पकने देंगे। ये देखिए हाई फ्लेम पे 1 मिनट हो गए हैं, धनिया पाउडर अच्छे से पक गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप पानी मटन गलने के लिए, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए अच्छे से मिक्स कर लिए। अब हम लगाएंगे कुकर का ढक्कन, हाई फ्लेम पे 3 सीटी लगाएंगे, सिम पे 15 मिनट पकाएंगे मटन गलने के लिए। ये देखिए हाई फ्लेम पे 3 सीटी हो गए हैं, सिम पे 15 मिनट हो गए हैं, मटन अच्छे से गल गया है और देखिए करी बन गई है। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। क्विक एंड ईजी मटन करी डिश आउट करने के लिए रेडी है। क्विक एंड ईजी मटन करी डिश आउट हो चुकी है। ये देखिए बहुत ही मज़ेदार बनी है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। इसे आप वाइट राइस के साथ खा सकते हैं। आप इस तरीके से ज़रूर बनाइए, बहुत आसान तरीका है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करिए। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें और इंस्टाग्राम पर फॉलो भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।